हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। NVS नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो 2024 में रिक्रूटमेंट आई थी नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए, इसमें आप लोगों की बहुत टाइप की पोस्ट है, जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर कैटरिंग सुपरवाइज़र, JSC जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये बहुत सारी पोस्ट है, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप लोग वेट कर रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और क्लासेस वगैरह किस पोस्ट के लिए कब से शुरू होंगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक पोस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँगा, सबसे पहले कि किस पोस्ट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बाद मैं इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बताऊंगा और हाई स्टडी की ओर से किस पोस्ट के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं पोस्ट वाइज सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि किस पोस्ट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, इसके बेस पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपकी पोस्ट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, तो जो FSN है, फीमेल स्टाफ नर्स है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न में आप लोग के 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। उसके बाद पार्ट 4 होगा आप लोगों का सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज का, 70 क्वेश्चन का, तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे और टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 2.5 घंटे। तो ये टॉपिक है आप लोगों का फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स। उसके बाद सेकंड पोस्ट आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो इसमें आप लोगों के 1, 2, 3, 4 टोटल 5 पार्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ या इंग्लिश या हिंदी, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, देन आप लोगों का ऑफिस या आप लोगों का टेक्निकल सब्जेक्ट, जो भी आप लोगों का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। समय यहाँ पर भी आप लोगों को 2.5 घंटे दिया जाएगा। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट, तो इसमें रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज, ये आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और एक पार्ट हो रहा होगा इसमें, पार्ट 5 जो आप लोगों का सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज से रिलेटेड है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल यहाँ पर भी आप लोगों को 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स और टाइमिंग 2.5 घंटे। उसके बाद चलते हैं अगली पोस्ट पर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें आप लोगों की ट्रांसलेशन आएगी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, फिर रीजनिंग, GK और सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज 20 की आप लोगों की 20 मार्क्स की, टोटल 100 क्वेश्चन, यहाँ पर टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 2 घंटा। लीगल असिस्टेंट में रीजनिंग आएगी, GK आएगी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा, हिंदी इंग्लिश, मैथ आएगा, और उसके बाद ये आप लोगों का पॉलिटी वगैरह के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और टोटल यहाँ पर आप लोगों का टाइमिंग रहेगी 3 घंटे और 150 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद इसमें आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा। देन आता आप लोगों का स्टेनोग्राफर, इसमें 3 पार्ट रहेंगे, लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश और GK, फिर GK और करंट अफेयर, देन कंप्यूटर, और टोटल ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, लैंग्वेज टेस्ट आएगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के और 2.5 घंटे इसमें आप लोगों की टाइमिंग रहेगी। ये कैटरिंग सुपरवाइज़र का, यहाँ भी रीजनिंग, GK, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, डोमेन प्रोफेशन नॉलेज, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, टाइमिंग रहेगी यहाँ पर आप लोगों की 2.5 घंटे। फिर देखते हैं आप लोगों का मोस्ट अवेटेड पोस्ट JSA, ये आप लोगों का मैथ, रीजनिंग, GK, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टोटल 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के, टाइमिंग रहेगी 2.5 घंटे की इसमें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आता है आप लोगों का ये JSA, तो इसका सेम रहेगा। देन आता आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, रीजनिंग, उसके बाद मैथ, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, और एक पार्ट और होगा इसमें टेक्निकल, पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेक्ट नॉलेज, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइमिंग यहाँ पर भी आप लोगों की 2.5 घंटे रहेगी। लैब अटेंडेंट, तो इसमें आप लोगों की रीजनिंग रहेगी, GK रहेगी, लैंग्वेज रहेगी हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जो हाई स्टडी पर क्लासेस चलाई जा रही है वो लैब अटेंडेंट की है, किसकी, लैब अटेंडेंट की शुरू हो चुकी है, जिसमें आप लोगों का ये जो 60 नंबर का है आप लोगों का इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, एक क्लास हो चुकी है, आप लोग जा कर के चेक कर लीजिएगा हाई स्टडी चैनल पर। और जल्दी मैं आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस और ये आप लोगों का पोर्शन है हिंदी वाला, ये भी मैं आप लोगों का कवर कराऊंगा, तो ये पोर्शन, 2-3 पोर्शन मैं आप लोगों के कवर करवा दूंगा। उसके बाद मैथ हेल्पर की अच्छी खासी पोस्ट है, इसमें आप लोगों की रीजनिंग,
जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के, टोटल 120 मार्क्स के, 2.5 घंटे की टाइमिंग यहाँ पर भी रहेगी। उसके बाद इसमें स्किल टेस्ट भी होगा। लास्ट आती है आप लोगों की 14 नंबर पर MTS, इसमें 3 पार्ट रहेंगे, हिंदी इंग्लिश और दूसरा GK का और तीसरा कंप्यूटर का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टाइमिंग रहेगी 2 घंटे। तो टोटल इसमें 14 पोस्ट हैं। 14 पोस्ट का मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है कि हर एक पोस्ट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। उसके बाद जो इसमें जो आप लोगों के लिए जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एक तो मैं RTI फाइल कर दूँगा जिसमें जितनी भी 14 पोस्ट हैं हर एक पोस्ट में आप लोगों के कैटेगरी वाइज टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, ये डेटा मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगा, कल मांग लूँगा, ये मैं RTI लगा दूँगा। दूसरी चीज़ आप लोगों की लैब अटेंडेंट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लैब अटेंडेंट की आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा। एक क्लास हो चुकी है बायोलॉजी की। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैस हेल्पर की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और जे एक चीज़ जो मैंने देखी इसमें आप लोगों की जो GK एंड करंट अफेयर, उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर, ये ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट में आ रहा है। इन 3 सेक्शन की क्लासेस में जल्दी आप लोगों के लिए शुरू करूँगा, एक एक चीज़ें आप लोगों की क्लियर करूँगा और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ भी करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं इन 3 सब्जेक्ट के, GK के, करंट अफेयर के एंड कंप्यूटर के। तो ये चीज़ रहेगी, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए अपनी। और एक डाउट ये भी कि सर इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगी, तो अभी के हिसाब से अगर आप लोगों को मैं एक मोटा मोटा आइडिया दूँ, जुलाई आप लोगों का चल रहा है, लगभग 1 वीक हो चुका है, तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अभी आप लोग अगस्त एंड के हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोगों को हाई स्टडी से पर्याप्त मात्रा में दे दी जाएंगी, जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं कंटेंट है फ्री में PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। हाई स्टडी चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी, क्लासेस जल्दी आप लोगों की शुरू होंगी, बस आप लोग हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई और भी डाउट है आप लोगों का किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ही क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।